भारत में मॉनसून चल रहा है और पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है। जहां पे मॉनसून अगर बारिश करता है तो उससे यहाँ के किसानों को अच्छी इनकम होती है क्योंकि इरिगेशन का सोर्स मिलता है। लेकिन कुछ हिस्से ऐसे हैं भारत के जहाँ बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से वहां पे फ्लड्स आ रहे हैं, और इसी फ्लड्स की वजह से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पिछले कुछ दिनों के अंदर ये न्यूज आ रही है कि वहां पे 35 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है। और ऐसे ही हम इस पूरे केस को एक बार देखने की कोशिश करेंगे कि फ्लड्स की प्रॉब्लम कहाँ कहाँ भारत में होती है और क्यों होती है, किस वजह से ये इंटेंसिफाई हो रही है। तो चलिए, तो मलुका आईएएस आपके लिए लेके आया है टेस्ट सीरीज 2025 विद मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें टोटल 64 टेस्ट हैं। प्रिलिम्स के 34 टेस्ट होंगे और मेंस के 30 हैं। बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस पे आपको ये हिंदी इंग्लिश में दोनों में ये टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी जो ये खबर है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आ रही है, जिसमें थाउजेंड्स जो लोग हैं वो होमलेस हो चुके हैं। ठीक है, उनको अपना घर छोड़ करके जाना पड़ा है क्योंकि फ्लड्स की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू से फोन पे बात की है और ये कहा है कि जितना हो सके वो सेंट्रल सपोर्ट के लिए तैयार थे। बहुत हैवी रेन्स हो रही है पिछले 2 से 3 दिन से, और तेलंगाना आंध्र प्रदेश में। इसके साथ में जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने हिमाचल प्रदेश और गुजरात के पार्ट्स में भी ज्यादा रेनफॉल के बारे में बताया है। हो सकता है कि वहां ज्यादा रेनफॉल हो जाए, हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल, दैट इज बेसिकली द सिवियर कैटेगरी का जो रेनफॉल है वो सेप्टेम्बर 4 तक हो सकता है, जिससे फ्लड्स की जो कंडीशंस है वो और इंटेंसिफाई हो सकती है। तो सबसे पहले ये जो न्यूज है, ये न्यूज हमारी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से चल रही है और काफी ज्यादा नुकसान इंफ्रास्ट्रक्चर को, और वहाँ लोग जो है वो होमलेस हो चुके हैं, घरों से बाहर निकलना। अब जब भी कोई फ्लड आता है तो फ्लड आने की वजह से आसपास की जो सारी जमीन होती है वो डूब जाती है और लोगों को सप्लाईज प्रॉपर नहीं मिलती। ठीक है, गाड़ियां रुक जाएंगी, गाड़ियां नहीं चल पाएंगी, पीने का पानी नहीं मिल पाता, इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां भी इससे जनरेट होती है। तो इस केस में लोगों को रेस्क्यू करने के लिए यहाँ पे लगाया गया है संकट मोचन फोर्स को, जिसको हम नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स भी कहा जाता है। ये फोर्स काफी ज्यादा मॉडर्न होती है और इक्विप्ड होती है, इसको वो सारे डिवाइसेस दिए जाते हैं जिससे ये लोगों को बचा सके, उनकी जान को भी बचाया जा सके। राइट, तो अभी आंध्र प्रदेश में जो डेथ है वो 17 लोगों का हुआ है और इसमें से कई सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको अभी तक मिसिंग रिपोर्ट किया जा रहा है। इसके पहले आपने देखा होगा केरला में भी बहुत बड़ी त्रासदी हुई है, जहां अप्रोक्सीमेटली 300 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई है और बहुत सारे लोग होमलेस भी हुए। प्रधानमंत्री जी ने वहां विजिट भी किया था जाकर के, वो पूरी ट्रेजेडी को देखा भी था। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो आप देखते होंगे इस पूरे फोटोग्राफ में दिख रहा है कि काफी सारे लोग जो है वो सड़कों पे आ चुके हैं और यहाँ पे जो जरूरी चीजें हैं उनको वो साथ लेकर के जाने की कोशिश कर रहे हैं। राइट, अब ये जो फ्लड है वो फ्लड इसीलिए आया है, तो फ्लड एक तरह की एक ऐसी सिचुएशन होती है जिस सिचुएशन के अंदर वाटर लेवल इंक्रीज करना स्टार्ट करता है। अब भारत में अगर जो फ्लड्स हैं वो क्यों मॉनसून के टाइम पे ज्यादा आते हैं, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि भारत में दो तरह के सीजन है, एक ड्राई सीजन होता है और दूसरा वेट सीजन होता है। ड्राई सीजन हमारा 7 to 8 months तक रहता है, जिसमें काफी कम रेनफॉल होता है भारत के कुछ हिस्सों को छोड़ करके, यानी नॉर्थ वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न में बहुत हल्का हल्का रेनफॉल होता है और सिंपली तमिलनाडु कोस्ट के ऊपर। ठीक है, 7 से 8 महीने ड्राई सीजन रहता है और इसमें सिर्फ टोटल रेनफॉल का ओनली 20% रेनफॉल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। बाकी जो 80% रेनफॉल होता है, यानी 80% जो बारिश होगी वो सिर्फ आपको 3 से 4 महीने देखने को मिलती है, यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो सितंबर 15 तक ये पूरा मॉनसून चलता है, उसके बाद मॉनसून धीरे धीरे रिट्रीट करना स्टार्ट हो जाता है, फिर ड्राई सीजन आ जाएगा। तो जिस 3 से 4 महीने में भारत, पूरे भारत का 80% से ज्यादा रेनफॉल है, तो ऑब्वियसली उस एरिया में फ्लड जैसी सिचुएशन बहुत आम बात होगी। तो पूरे भारत में अगर आप देखोगे तो 40 मिलियन हेक्टेयर्स का जो एरिया है वो फ्लड प्रोन है, वहां पे फ्लड्स आते हैं हर साल। अलग अलग स्टेट से, अलग अलग शहरों से आपको ये खबरें सुनने को मिलती हैं कि आज यहाँ पे ये सिटी इनुंडेट हो चुकी है, आज यहाँ पे ये फ्लड्स आ चुके हैं। अर्बन फ्लड्स की बात भी बहुत कॉमन है। रिसेंटली दिल्ली से भी एक न्यूज आया था, जब दिल्ली में
एक UPSC स्टूडेंट्स के जो स्टूडेंट्स थे जो तैयारी कर रहे थे बेसमेंट के अंदर, तो अचानक से वहां पानी भर जाता है बेसमेंट में, जिस वजह से उन 3 बच्चों की डेथ हो जाती है। ये भी काफी न्यूज में रहा। तो इसी चीज में अगर हम देखें तो हमारे पास लेक्स, पॉन्ड्स, रिजर्वायर, सीज, इनके आसपास के एरिया में जो आसपास के जो लोग रहते हैं या वहाँ विलेजेस हैं, वहाँ पानी भर जाता है जिसको फ्लड लाइक सिचुएशंस कहा जाता है। अब फ्लड सिचुएशन अगर इंडिया में अगर आप देखोगे तो मोस्टली अभी 3 से 4 महीने में आपको देखने को मिलेगी, और यहीं पे ही रेनफॉल जो है वो 75 सेंटीमीटर का एनुअल रेनफॉल आपको 3 से 4 महीने में होगा, जो काफी डैमेज क्रिएट करता है, काफी सफरिंग्स क्रिएट करता है, लोगों को होमलेस होना पड़ता है, ये सिचुएशंस है। 2023 से मानसून में अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शंस कॉज कर रहा है। लास्ट ईयर भी हिमाचल प्रदेश में काफी फ्लड्स आए थे जिससे 12,000 करोड़ का नुकसान वहां देखने को मिला। एक साथ वहां पे ये कहते हैं कि बारिश बहुत ज्यादा स्टार्ट हुई, और ये क्लाइमेट चेंज को कहा जाता है कि क्लाइमेट चेंज इसके इसके लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है। तो लैंड को लॉस है, क्रॉप्स को लॉस है, होम्स को लॉस है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉस हो जाता है, राइट? तो यहाँ पे आप सिंपली ये कह सकते हो कि जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो ये कह रही है कि इंडिया इज हाईली वल्नरेबल टू फ्लड्स। बहुत सारे फ्लड्स आते हैं, 40 मिलियन हेक्टेयर एरिया पूरा फ्लड प्रोन है। हर साल अगर आप देखोगे तो 75 लाख हेक्टेयर ऑफ द लैंड अफेक्ट होती है, जिसमें 1600 यानी 1600 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं, और क्रॉप्स को डैमेज होता है, हाउसेस को डैमेज होता है। अप्रोक्सीमेटली जो पब्लिक यूटिलिटीज है उसमें 1,805 करोड़ का नुकसान भी सामने आता है। अब फ्लड्स की टाइप्स देखें तो फ्लड्स में सबसे पहली टाइप आती है, सबसे कॉमन टाइप, दैट इज द कोस्टल फ्लड। तो कोस्टल एरिया के पास जो लोग रहते हैं, ठीक है, वहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, कई बार क्या होता है कि समंदर में बहुत तेज हवा चलती है, हवा चलने की वजह से वाटर लेवल राइज करता है, और जब वाटर राइज करता है तो वो कोस्टल एरिया में अंदर आता है, जिसकी वजह से कोस्टल फ्लड्स आते हैं। ठीक है, ये काफी सिवियर वेदर कंडीशंस की वजह से भी कई बार क्रिएट होता है, जैसे साइक्लोन्स आते हैं, हरिकेन्स आते हैं, तो इस केस में कोस्टल फ्लड बड़ा कॉमन है। ओवरबैंक फ्लडिंग, ओवरबैंक फ्लडिंग अगर आप देखोगे, रिवर का जो एरिया है उसके आसपास फ्लड प्लेन्स होते हैं। जब भी किसी एरिया में बहुत तेज बारिश होती है तो सारा पानी रिवर के अंदर आता है। अब जैसे ही रिवर के अंदर वाटर आता है तो वाटर लेवल राइज करता है, वाटर लेवल जैसे ही राइज करेगा वो जो एरिया आसपास रिवर के पड़ता है वहां पे फ्लड्स आते हैं, उन बैंक्स पे फ्लड पहुंच जाता है। फ्लैश फ्लड्स, अचानक से किसी एरिया के अंदर बहुत तेज बारिश होना, ठीक है, कुछ घंटों के अंदर, कुछ छोटे एरिया के अंदर इतनी ज्यादा बारिश होना कि जिसको हम सिंपली कहते हैं क्लाउड बर्स्ट, यानी ऐसा लगता है कि जैसे बादल ही फट चुका है, उसकी वजह से अचानक से बिना किसी नोटिस के, बगैर नोटिस के इमीडिएटली बहुत तेज पानी आता है, उसको फ्लैश फ्लड्स कहा जाता है, राइट? सो सरफेस फ्लड्स, हैवी रेनफॉल की वजह से भी किसी एरिया में पानी भर जाता है, उसको हम सरफेस फ्लड्स कहते हैं। तो भारत में 35 स्टेट्स प्लस यूनियन टेरिटरीज अगर मिलाकर के देखा जाए तो 23 ऐसी स्टेट्स बन जाती हैं जो सब्जेक्ट हैं हमारी फ्लड्स, और जहां पे राष्ट्रीय बाढ़ आयोग जो है ये कहता है 40 मिलियन हेक्टेयर्स का एरिया फ्लड्स में आ जाता है। तो मोस्ट कॉमन अगर आप देखोगे असम के फ्लड्स, ब्रह्मपुत्र वैली वहां पे है उधर आते हैं, वेस्ट बंगाल, बिहार, यहाँ बहुत ज्यादा फ्लड्स हैं। इसके साथ में कुछ नॉर्दर्न एरियाज के अंदर लाइक पंजाब, उत्तर प्रदेश, इनके अंदर भी फ्लड्स काफी कॉमन देखने को मिलते हैं। राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, इनके अंदर जो है वो ज्यादातर रिसेंटली कुछ डिकेड्स में देखने को मिला है कि यहाँ फ्लैश फ्लड्स के चांसेस भी बढ़ रहे हैं, और वाटर लॉगिंग की कंडीशन हो रही है जिससे नुकसान होता है। तो तमिलनाडु जो है ये एक्सपीरियंस कर रहा है फ्लडिंग बहुत तेज नवंबर और जनवरी के बीच, तो उस टाइम पे वहां पे रिट्रीटिंग मानसून होता है, क्योंकि आजकल नॉर्मली अगर आप देखोगे तो तमिलनाडु में साउथ वेस्ट मानसून से बारिश नहीं होती, लेकिन मानसून जब रिट्रीट करता है तो इस कोस्ट के ऊपर जो रिट्रीटिंग नॉर्थ ईस्टर्न मानसून है वो बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर पिकअप करता है और वो तमिलनाडु कोस्ट पे बारिश करता है। तो अब यहाँ इजिली देख सकते हो कि यहाँ पे जो फ्लड्स है वो रेड कलर का जो एरिया है, दिस इज बेसिकली दी ये ज्यादा वल्नरेबल है फ्लड्स के। अब कॉजेस क्या है, तो सबसे पहला कॉजेज यही है कि फ्लड एरिया के अंदर यानी रिवर के पास लोग जाकर के क्या करते हैं, घर बनाना स्टार्ट कर देते हैं, इलीगली लैंड को एंक्रोच करना स्टार्ट करते हैं, एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से अब रिवर तो अपना जो जितना एरिया है उसको क्लेम करेगी, आज नहीं कर रही, 10 साल बाद अगर ज्यादा बारिश हुई तब पूरा एरिया डूब जाएगा। भारत में तो कई एयरपोर्ट ऐसे हैं जो आप देखोगे जो सिंपल किसी रिवर के किनारे बना दिए, अब जब रिवर में फ्लड आता है तो उस एयरपोर्ट के अंदर भी पानी भर जाता है,
मे बी शायद जिन्होंने उसको क्रिएट किया है उनका विजन ये रहा होगा कि इस एयरपोर्ट को ड्यूल पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है, कि जब सूखा है तब वहां पे एरोप्लेन टेक ऑफ एंड लैंड कर सकते हैं, और जब पानी भर गया तो वहां पे एज अ शिप की फॉर्म में चल सकते हैं, मे बी ऐसा हो। ठीक है, दूसरा अगर देखें तो एंक्रोचमेंट ऑन द नेचुरल वाटर बॉडीज, आसपास कोई वेटलैंड है, लेक है, उसके आसपास लोग क्या करते हैं कि फर्टाइल लैंड होती है, एग्रीकल्चर करना स्टार्ट कर दिया, घर बना लिया, कोई वाइल्ड लाइफ वहां पे है तो इस वजह से वहां टूरिज्म भी हो सकता है, तो इस वजह से आसपास जितने एरियाज होते हैं उनमें लैंड ऑक्यूपाई कर लेते हैं, जो एक बफर की तरह पहले काम करता था किसी रिवर के पानी को स्टोर करने के लिए। राइट, सो अब इसमें रैपिड और अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन, दिल्ली में फ्लड्स हुए थे 2023 में, यमुना के अंदर पानी भर गया था। अब यमुना में तो पानी आया तो रिवर का तो वो नेचुरल एरिया है, लेकिन उसमें अगर आप देखोगे जो हैफजर्ड ग्रोथ है, कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, अनप्लान्ड साइंटिफिक वे से कंस्ट्रक्शन नहीं हो रहा, उसकी वजह से फ्लैश फ्लड्स आते हैं, उससे ये नुकसान होता है। राइट, नेचर डिस्ट्रक्शन, डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज हो रहा है, जितने ज्यादा पेड़ कटते जाएंगे उतनी ज्यादा रेनफॉल बढ़ेगा, उतना सरफेस रन ऑफ होगा, उतना इरोजन स्टार्ट होगी, जितनी इरोजन होती जाएगी उतना ज्यादा आपको देखने को मिलेगा डैमेज। राइट, उसके बाद हैवी प्रेसिपिटेशन, पिछले कुछ समय से क्लाइमेट चेंज जैसे बदल रहा है, जो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, उससे मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज हो रहा है, मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज होने की वजह से बहुत ज्यादा बारिशें देखने को मिल रही है वेस्टर्न घाट्स, असम या सब हिमालयन या वेस्ट बंगाल के रीजन्स में, जिस वजह से ज्यादा बारिश होती है। इसके साथ में जो रिवर बेड्स हैं, वो रिवर बेड्स में हिमालय क्योंकि बहुत कच्चे पहाड़ हैं, तो जब पानी आता है तो बहुत तेजी से रिवर्स उसमें से सेडिमेंट्स को रिमूव करती है, इन सेडिमेंट्स ये लगातार जाके रिवर बेड्स में डिपॉजिट होते हैं, जिससे रिवर बेड की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो कम होती जा रही है। सो रिवर बेड्स में जो कैरिंग कैपेसिटी कम हो रही है उसकी वजह से भी फ्लड्स ज्यादा आते हैं। ठीक है, मेंडरिंग रिवर फ्लो, अब रिवर फ्लैट प्लेन्स में मेंडर करती है, मेंडरिंग करती हुई चलती है, तो इससे भी ब्रह्मपुत्र जो गैंजेटिक एरिया है वहां पर भी आपको, ठीक है, देखने को मिलेगा कि वहां पर फ्लड्स आते हैं। जो डेल्टा रीजन होता है जहां पे रिवर पानी डिपॉजिट या रेत डिपॉजिट करती है, उससे जो नई लैंड क्रिएट होती है माउथ ऑफ द रिवर के पास, उसमें सिल्ट जब ज्यादा डिपॉजिट होती है तो उससे भी फ्लड्स के चांसेस बनते हैं। राइट, साथ में जब हम पहाड़ों पे बहुत हैवी कंस्ट्रक्शन करते हैं, उससे जो लाइक हम टनल बना रहे हैं, तो टनल में से जो मटेरियल अंदर से आया उस मटेरियल को हमने आगे जाकर के डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दिया उस रिवर के अंदर ही, उस रिवर में जैसे उस मटेरियल को डाला रिवर की कैरिंग कैपेसिटी कम हुई, ठीक है, और फ्लो कॉम्प्रोमाइज हुआ, ब्रिजेस बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, जिसकी वजह से भी फ्लड्स आते हैं। राइट, अब इंपैक्ट देखें, लॉस ऑफ लाइफ, बहुत सारे लोग मारे जाते हैं हर साल, 1600 से ज्यादा लोग फ्लड्स की वजह से मरते हैं, प्रॉपर्टी के अंदर प्रॉपर्टी को नुकसान होता है, घर डूब जाते हैं, टूट जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिजेस टूट जाते हैं, रेलवे लाइंस को नुकसान होता है, ठीक है, क्रॉप्स को डैमेज होता है, लाइफ स्टॉक्स को नुकसान होता है, काफी ज्यादा लोग जो है वो माइग्रेट भी करते हैं इन प्रॉब्लम्स की वजह से, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है, पॉल्यूशन होता है, ठीक है, फ्लोरा एंड फौना के जो हैबिटेट्स हैं वो धीरे धीरे छोटे होते जाते हैं, तो ये सारा जो है वो कुल मिलाकर के इकोनॉमिक लॉस भी ज्यादा देखने को मिलता है। इसके अंदर जब इंफ्रास्ट्रक्चर टूटता है तो आपकी जो सप्लाई लेन्स है वो कॉम्प्रोमाइज होती है, ठीक है, और इसके साथ में फ्लड्स क्या करता है, टूरिज्म सेक्टर को भी डैमेज करेगा, और इसके साथ जो वर्ल्ड बैंक है ये कहता है कि फ्लड जो है ये बेसिकली इसने लॉस किया है भारत का 14 बिलियन एनुअली डायरेक्ट लॉस जो है वो देखने को मिलता है। राइट, अब इसको मैनेज कैसे किया जाए, तो एक नेशनल लेवल फ्लड मैनेजमेंट गाइडलाइंस तैयार की जा सकती है, और जो भी इनफ्लोस फ्लड कंट्रोल सिस्टम्स हैं उनको जगह जगह इंस्टॉल किया जा सकता है, लाइक इंस्टॉल्ड इन मुंबई एंड चेन्नई, जहां पे हम मेजर कर सकते हैं कि कैसे अगर वाटर लेवल कैसे राइज कर रहा है, तो राइज कर रहा है कहाँ, राइज करता है पैटर्न क्या है, उसको सीख करके उसको सॉल्व किया जा सकता है। नेशनल रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे मान लीजिए ब्रह्मपुत्र रिवर है वो भारत का मतलब 60% वाटर उस रिवर में है, बहुत ज्यादा पानी है क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो उस एरिया से पानी हम सरप्लस वाटर को लाएं, ठीक है, उसको सीधा लेकर के चले जाएं सेंट्रल इंडिया और साउथ इंडिया। कैसे हो सकता है, टनल्स बना के, रिजर्वायर्स बना के, ठीक है, ओपन कैनाल्स बना के उस पानी को स्टोर किया जाए, बफर्स क्रिएट किए जाए जगह जगह, आर्टिफिशियल लेक्स क्रिएट की जाए, जिससे अगर एक्स्ट्रा पानी फ्लड का आए उसको स्टोर कर लिया जाए, उसे यूज किया जा सकता है।
ठीक है, तो डच मॉडल ऑफ द फ्लड मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इस एरिया में जो सिटीज है वो वाटरस्केप एक तरह से एंड नॉट द लैंडस्केप है। तो इसमें सिटीज के साथ में जो वाटर बॉडीज होती है लाइक रिवर बैंक्स हैं, कोस्टल एरियाज हैं, तो इनमें एक नेचर बेस्ड सोल्यूशन लाया गया है जिसमें फ्लड मैनेजमेंट इन सिटीज में किया जाता है। योंगजिंग रिवर ऑफ पार्क मॉडल, ठीक है, ये एक आर्टिफिशियल वेटलैंड यहाँ पे चाइना ने क्रिएट किया है जो सिटी के अराउंड, जिसमें पेरियोडिक फ्लड्स आते हैं तो वो पानी सारा एक बफर की फॉर्म में वहां स्टोर होता है जिससे कि फ्लड्स को प्रिवेंट किया जाता है। राइट, तो पॉसिबल सॉल्यूशंस में यही है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को इम्प्रूव किया जाए कि जब भी फ्लड्स आने लगे तो उसके बारे में पता चले, जनता में अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। ठीक है, फ्लड रेजिलियंट हाउसिंग बनाई जाए, घरों को ऐसा बनाया जाए कि फ्लड आए भी तो कम से कम पानी की वजह से वो घर ना टूटे, ठीक है, उसमें दिक्कत ना क्रिएट हो। इलेक्ट्रिकल सॉकेट शुड बी इंस्टॉल्ड एट हायर लेवल्स, जिसमें कि अगर फ्लड आ भी जाए, अगर कोई इलेक्ट्रिक वायर उसमें मिल गई पानी में तो किसी को करंट ना लगे। ठीक है, इसके साथ में बिल्डिंग को फ्लड लेवल से ऊपर बनाया जाए, ठीक है, उनको दूर बनाया जाए। तो फ्लड जो बेसिकली हमारे प्लेन्स हैं उनमें भी पूरी प्लानिंग जो है की जा सकती है, क्लाइमेट चेंज से रेजिलियंस देख करके, यानी बेसिकली क्लाइमेट चेंज को कैसे रोका जाए या क्लाइमेट फ्रेंडली कैसे एनवायरमेंट बनाया जाए उसके ऊपर भी ध्यान देना है। और साथ में नई वेटलैंड्स को क्रिएट करना है, एनकरेजिंग करना है रिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्टेशन को, जिससे वाटर का जो सरफेस लेवल है वो रुके, ठीक है, वाटर प्रॉपरली रिचार्ज हो और सॉइल की कंडीशंस इंप्रूव हो। तो इस केस में हम तभी ये हो सकता है जब हम इन सारे सॉल्यूशंस को अप्लाई करेंगे। राइट, अब देखिए आज का जो मेंस का क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है, दैट इज एग्जामिन द प्राइमरी फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू द इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी एंड सिवियरिटी ऑफ द फ्लड इवेंट्स इन इंडिया, हाउ दीज फैक्टर्स इंटरैक्ट विद वन अदर टू एक्सेसरेट फ्लड्स रिस्क एंड इवेलुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ करंट फ्लड मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज एंड प्रपोज द कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स दैट कुड एनहांस फ्लड रेजिलियंस इन द कंट्री। राइट, जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। तो आपके लिए मैगजीन है, दैट इज द मंथली टू द पॉइंट मैगजीन फॉर द करंट अफेयर्स, डायग्राम्स फ्लो चार्ट से भरी हुई, 29 रुपीज में है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, तो इसका फायदा आप उठा सकते हैं। थैंक यू।